हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद का पूर्ण नाम एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद है और ये अक्षरशः सही है क्योंकि वो अभय प्रदान करने वाले हैं। अभी जो हम समस्या से जूझ रहे हैं, मुसीबतों से जूझ रहे हैं, इसमें सारे भक्त अभक्त सब डर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी कृपा है प्रभुपाद की कि हमें लगता है कि हम सुरक्षित स्थान पर हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, हम इतने अच्छे आचार्य और गुरु से जुड़े हुए हैं और जहाँ भी हम हैं घर के अंदर भक्ति कर रहे हैं कोरोना समय के होने के कारण या ऑनलाइन पे कर रहे हैं, तो सारा प्रोसेस हमारे पास है, हमारे पास बुक्स है, हमारे पास विग्रह हैं, हमारे पास विधियां हैं कि कैसे हम सेवा करें। ऐसा नहीं है कि घर के अंदर बैठ के हम बोर हो रहे हैं, हम भगवान के ड्रेसेस बना रहे हैं, हार बना रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने इतना अच्छा सिखाया है हमें कि अगर हमें किसी द्वीप पर, आइलैंड पर भी छोड़ दिया जाए, सिर्फ उनकी बुक्स हो, तो लगता है कि कोई भक्त बोर नहीं होगा और डरेगा भी नहीं। तो ये जो प्रभुपाद में इतना टैलेंट था, इतना जो उनके अंदर शक्ति थी इतनी, वो कहाँ से आई थी? वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण से उनके अंदर थी क्योंकि उन्हें अपने गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास था, 100% विश्वास जिसको कहते हैं। प्रभुपाद के अंदर तो अनंत गुण थे, बोल नहीं सकते हैं हम, शब्द वर्णन नहीं कर पाएंगे, परंतु जो मुख्य गुण थे उनके अंदर, जो बाकी सारे गुणों को अपने आप ले आता है, पैदा कर देता है, वो था उनका उनके गुरु के ऊपर अटल विश्वास। जब हमें हमारे गुरु के ऊपर अटल विश्वास होता है और हम अपने गुरु के आज्ञा का पालन 100% करते हैं, अक्षरशः करते हैं, तो गुरु के कृपा से हमारे अंदर शक्ति आती है, भगवान भी हमें शक्ति देते हैं। प्रभुपाद निडरता से और पूर्ण क्षमता के साथ शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं को या तो आर्थिक कष्ट को झेलते हुए लंबे अरसे तक स्ट्रगल करते हुए अंत में अमेरिका पहुंचे और वहां भी उन्हें बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ा। इसके बाद उन्हें सफलता मिली या उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। तो ये सब वो क्यों कर पाए? क्योंकि उन्हें अपने गुरु पर विश्वास भी था और गुरु के वचन पर वो चलने की कोशिश कर रहे थे, पूरी शक्ति लगाकर, पूरी शक्ति उन्होंने लगा दी और उनके अंदर जोश भी था, उस उम्र में भी जोश था कार्य करने का, और ये सारा सब कुछ जो उनके अंदर पैदा हुआ वो सब उनके गुरु की कृपा के कारण और गुरु के ऊपर विश्वास के कारण। तो हमें वैसे तो प्रभुपाद ने जो बुक्स में लिखा है और जो हमें शिक्षा उन्होंने दिया है अपने ग्रंथों के माध्यम से, उसमें एक एक शब्द पालन करने योग्य है और हमें पालन करना भी चाहिए। परंतु यदि हम उनकी सिर्फ एक बात मान लें कि हमें अपने गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना है, जिनके जो भी गुरु हैं, अगर वो बोनाफाइड गुरु हैं, तो अपने गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास हमें रखना चाहिए और गुरु के बताए हुए निर्देश के अनुसार चलना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इतना यदि अगर हम सीख लेते हैं प्रभुपाद के वचनों से, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं, तो जो गुण हमारे अंदर होते हैं उसके अनुसार ही हमें गुरु आज्ञा देते हैं। तो प्रभुपाद के अंदर जो गुण था उसके अनुसार प्रभुपाद ने उन्हें आज्ञा दिया था, प्रभुपाद के गुरु ने उन्हें आज्ञा दिया था। इसी प्रकार प्रभुपाद ने हमें आज्ञा दिया है और हमारे तो वो पथ प्रदर्शक गुरु हमेशा रहेंगे। हमारे जो सिद्धांत हैं इस्कॉन के और जो नियम है इस्कॉन के और जो पुस्तक है इस्कॉन के, इसके माध्यम से भी हमें शिक्षा देते ही रहेंगे।
पर उनके जो शिष्य हैं और जो हमारे गुरु हैं उनकी आज्ञाओं का पालन भी हमें अच्छे से करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय।